नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय हमारे बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामाशंकर विद्यार्थी जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के पूर्व सांसद भी हैं। आज कई दिनों से जो है क्षेत्र के दौरे पर हैं और जब भी यह आते हैं लोगों की समस्याएं, आमजन की समस्याएं उठाते रहते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं और सरकार तक जो अपनी बात पहुँचाते हैं। आइए इनसे जो है सीधी बात करते हैं कि आज जो 5 दिन से मौजूद रहे हैं, क्या क्या जो है समस्याएं जनता की रही हैं और किस तरह के जो सदस्यता अभियान चल रहा है समाजवादी पार्टी से, उसमें कितने जो सदस्य जो अभी तक जो उन्होंने जोड़ने का काम किया है। देखिए, पहले तो किसानों पर आफत आई हुई है, भयंकर सूखा है और मैं घूम के अपने संसदीय क्षेत्र में देख रहा हूं कि फसलें जल रही हैं। किसान ने अपनी पूरी कमाई खेती में लगा दिया, बुआई किया, खाद डाला, कीटनाशक छिड़का और सभी फसल जल रही है। अभी तक बलिया जनपद सूखा क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। सरकार प्रोपगंडा करती है कि हम फसल बीमा किए हुए हैं, तो फसल बीमा किए हुए हैं तो सरकार इस जनपद को सूखा क्षेत्र घोषित करे और फसल बीमा का लाभ किसानों को दे, तुरंत वसूली रोके, ताकि ये किसान की जो मूल समस्या है यह मैं आपके माध्यम से उठा रहा हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता 17 जनवरी 2017 में हुई थी। 5 वर्ष की हमारी सदस्यता होती है, उसका समय समाप्त हो गया है। अब पुनः हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ कर दिया है। पूरे देश में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी क्रम में हम समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताकर गांव-गांव जाकर हर बूथ पर कम से कम 50 समाजवादी पार्टी के साधारण सदस्य बना रहे हैं। काफी संख्या में अग्निवीर योजना लागू होने के बाद काफी संख्या में सभी वर्गों के नौजवान समाजवादी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नेता मानकर। इसी दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में हमारे मतदाता बढ़ें और मतदाता जो इस समय वोटर लिस्ट का काम हो रहा है उनको अधिक से अधिक मतदाता बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि भयंकर महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है और भारतीय जनता पार्टी के ये दो जुड़वा भाई हो गए हैं, महंगाई और बेरोजगारी। इनको इससे नाराज जनता भारी संख्या में समाजवादी पार्टी का सदस्य बन रही है। बलिया जो है डबल जो है मार झेल रहा है, एक तरफ जो है बलिया जो है बाढ़ से पीड़ित है तो वहीं किसान जो है सूखा से। बाढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए जो है आप क्या कहेंगे और सरकार से क्या अपील होगी? आप देखिए, मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश हुई नहीं, पहाड़ों की बारिश से, चूंकि हमारे संसदीय क्षेत्र में गंडक नदी और घाघरा नदी का पानी भारी मात्रा में आ रहा है और नदियों के किनारे के गाँव में कटान हो रही है, लेकिन इस सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। न बाढ़ की कोई सहायता दे रही है, न सूखे की कोई सहायता दे रही है और किसान मर रहा है, ग्रामीण मर रहा है। तो ये हमारे जो है पूर्व सांसद सलेमपुर के रामाशंकर विद्यार्थी जी थे, जिन्होंने किसानों की जो बातें उठाई और बाढ़ क्षेत्र में जो जनता को जो समस्याएं हो रही है उनकी बात कही और उनका साफ तौर से कहना था कि सरकार का इस पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है और उसे जो है आम जनता के प्रति जो है उसे सोचना चाहिए। भारत मीडिया के लिए आसिफ खान के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहे भारत मीडिया चैनल।